ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोग लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए एग्जामिनेशन के। और एनडीए एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ मेथड्स हमारे पास में लगते हैं, जाली जुगाड़ तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैं आप लोग इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को उन क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाना है जो आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो क्वेश्चन एक्चुअल तरीके से सॉल्व होते हैं वो तो आपसे होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो या फिर गलत कर देते हो उनको किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड से सॉल्व करना है ये मैं इस सीरीज में आप लोगों को सिखाता हूं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एपिसोड्स जितने भी फ्यूचर में ऐडअप होंगे वो सारे प्लेलिस्ट के अंदर में जुड़ते जाएंगे और पहले के जितने भी एपिसोड्स होंगे वो सारे प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगी। एनडीए की 2021 के लिए जो फेस टू का एग्जामिनेशन है उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और सारे वीडियोस आपको उसी के अंदर में डलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एनडीए का एग्जाम जो है 2017 में जीरो प्रिपरेशन में 0% प्रिपरेशन में क्रैक किया था। जस्ट मैं जाकर के एनडीए का एग्जाम दिया था एंड मैंने उसको क्रैक कर लिया था। बिना 1% भी प्रिपरेशन मैंने नहीं करी थी, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी सॉल्व करा, ना मैंने कोई बुक पढ़ा, ना मैंने कोई कोचिंग ली थी एनडीए एग्जामिनेशन की, ना मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। अगर आप चाहते हो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस जानना और किस तरीके से कम टाइम में एनडीए एग्जाम को क्रैक करा जाता है, किस तरीके से अगर आपका स्कोर 200-250 के रेंज में अटका हुआ है तो किस तरीके से उसको 400-500 की रेंज में ले जाना है, किस तरीके से स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, सारे स्ट्रेटजी सारे मेरे सीक्रेट्स मैंने एक एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में आपको यहां पर बताए हैं। इस कोर्स के अंदर में आपको स्ट्रेटजीज के अलावा 2021 का जो एनडीए का फेज वन का पेपर था उसके सारे सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। ट्रिक से कैसे 2021 के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बताया वो सारी चीजें आप लोग इस कोर्स में मिलेंगी। कोर्स की जो फीस है बहुत ही अफोर्डेबल है, 199 का कोर्स है और ये कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है। मतलब कि आपको ऑनलाइन डिजिटली ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा आपके मेल पर। आपको यहां पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, या फिर अगर आप लोगों को वॉलेट नंबर चाहिए पेटीएम गूगल पे कोई भी तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना है तो आप लोगों को यहां पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, पेमेंट की डिटेल्स वगैरह आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो एंड फिर इस कोर्स को आप लोग परचेस कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आपको मेल पर भेजना है पेमेंट करके, राइट, और उसके बाद में आपको जो है कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वॉलेट नंबर चाहिए तो मैसेज करके आप लोग वॉलेट नंबर ले लेना, अदरवाइज आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है एनडीए का जो फेज टू हमारे पास में 2018 का था उसके चारों के चारों मैथ्स सेक्शन से मैंने क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर मैथ्स में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगता है एनडीए के अंदर में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हो ना तो मेरे चैनल पर मैं जेई मेन आईआईटी नीट है ना जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए मैं ट्रिक्स बताता हूं। तो एनडीए का भी एग्जाम ना मैंने खुद ने क्रैक करा था बिना किसी प्रिपरेशन के, 0% प्रिपरेशन में जस्ट मैं एग्जाम देने चला गया था मेरे दोस्त के कहने पर और एनडीए का एग्जाम मैंने क्रैक कर लिया था। फिर मैं एसएसबी इंटरव्यू वगैरह में नहीं गया था बिकॉज मेरे को इस लाइन में जाना नहीं था, उतना ज्यादा कोई पैशन वैशन नहीं था मेरा, बट ये एग्जाम मैंने क्रैक किया तो मुझे इस एग्जाम के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और इस एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगता है। स्पेशली जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें भरपूर ट्रिक्स लगता है और अगर आप लोग को ये ट्रिक्स सिखा दूं मैं तो आप लोग का काफी ज्यादा इससे जो है स्कोर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होने वाला है। इसी पर्पस से मैं यहां पर एनडीए का जो है सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों के डिमांड पे। तो यहां पर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है सम ऑफ सीरीज, सारे एक्चुअल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं अपने मर्जी से उठाऊंगा, सारे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए होंगे उसी को उठाऊंगा ताकि ऑथेंटिक लगे कि हां यार उसी में हमारे पास में ट्रिक्स लग रहा है। आप देखो 3-1 होता है 2, राइट, उसके बाद में 2 पे अगर आप 1/3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे 3 तो ऊपर आ जाएगा 6+1 ये आ जाएगा 7/3। ठीक है, इसके बाद में कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी घटेगा बढ़ेगा इसकी वैल्यू बहुत कम होने वाली है, राइट, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि -1/9 फिर आगे जाओगे तो फिर और छोटा हो जाएगा, है ना, मतलब ये छोटा होते जा रहा है, ये आपको बात समझ में आ गई। तो जो भी होगा ये इसके आगे का जो भी कचरा होगा ना वो बहुत छोटा होगा, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं एक बार के लिए। तो ये हमारे पास में क्या होगा 2 point something, क्या आपको बात समझ में आ रही है 2 point something, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 2 point something होना चाहिए, राइट। सो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको 2 point something दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन आपको 1 से भी छोटा दिख रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, ये तो 1 से भी छोटा है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये 2 से ऊपर जा रहा है और उसके बाद में इतना कम नहीं हो जाएगा कि ये 1 से भी छोटा हो जाए, राइट, कुछ कम बेसी होगा जो भी होगा आई डोंट नो बट इतना कम नहीं होगा कि 1 से छोटा हो जाए बिकॉज द नंबर्स आर बिकमिंग वेरी वेरी स्मॉल। फिर यहां पर भी आप देखो 9/4 ये भी आपको 2 point something दिख रहा है और फोर्थ ऑप्शन आपको वापस से 1 से छोटा दिख रहा है तो ये वाला हम काट देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा यहां पर
दो ऑप्शंस को काट दिया, मतलब इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। यहां पर हमने क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो में तुक्का लगाएंगे, इन दोनों में एक तुक्का हम लोग लगाएंगे। क्या होता है ना, रैंडम गेस करने में गलतियां हो सकती है, लेकिन जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब कि 50% चांस है कि अब आप इसको सही कर दोगे, राइट। तो अगर आप चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो इस तरीके से एलिमिनेट करके, तो चार में दो तो सही होगा ना, राइट, समझ में आ रहा है बात। तो आपका ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, ओवरऑल आपका नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो चार अगर आप अटेम्प्ट करते हो, चार में दो सही होता है, दो नेगेटिव होता है, तो दो जो सही हो रहे हैं उसके आपको ढाई ढाई नंबर मिल रहे हैं, पांच नंबर मिल रहे हैं, और दो जो गलत हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका कितना कट रहा है, 1/3 of 2.5, ठीक है, वो 0.8 समथिंग कट रहा है, तो दो में कटा तो 1.6 के आसपास माइनस हुआ, तो ये ओवरऑल तो प्लस आया ना, 5 + -1.6, तो ओवरऑल तो आपका प्लस स्कोर आया ना। अब सोचो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप छोड़ देते हो एग्जाम में, अगर आप ये सारे टेक्निक्स को सीख लो, है ना, जिस पे मैंने एक्सक्लूसिव कोर्स भी बनाया, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया उस कोर्स के बारे में, तो उसमें काफी ज्यादा डिटेल में सारी चीजें करी हुई है, और 2021 के उसमें सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं कोर्स के अंदर में, राइट। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्यादा डिटेल के लिए, और ज्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए। अब यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। अब ध्यान से अगर आप देखो, ध्यान से सपोज कर लो ये 81 होता, सपोज ये 81 होता, जो कि 81 है नहीं, 81 से कम है, और सपोज कर लो ये 64 होता, जो कि 64 से कम है, ठीक है, तो 9 9s 81 होता है, तो ये 2 आ जाता इसका वैल्यू, राइट, अगर ये 81 होता तो, बट ये 81 नहीं है ना, 27 है ना, तो 2 से कम होगा। अच्छा, ये भी 8 का स्क्वायर 64 होता, तो ये भी 2 आ जाता, तो अगर ये 81 और 64 होता तो आंसर हमारा होता 4, बट ये 81 और 64 नहीं है, उससे कम है, तो ऑब्वियसली आंसर भी कम होगा ना, क्योंकि 9 का पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, बट 27 तो 1 और 2 के बीच में होगा ना, उसी तरीके से 8 का पावर 1 करेंगे 8 आएगा, स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, बट 32 तो 1 और 2 के बीच में होगा ना, कहीं पे भी, वही तो लॉग है हमारे पास में, हमको सॉल्व करना अगर आता तो हम कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करना नहीं आता, जब भी तो जुगाड़ लगा रहे हैं, जब भी तो ट्रिक्स लगा रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये 2 से थोड़ा कम होगा, 1 और 2 के कहीं बीच में होगा, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान लेते हैं दोनों को, 3 के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, मतलब 4 तो आंसर नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 आपको एक ऑप्शन दे रहा है, काटो इसको, और ये 7 आंसर दे रहा है, काटो, ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये अगर 81 होता तो 2 आता, ये 64 होता तो 2 आता, 2+2 मैक्सिमम केस में 4 पहुंचता, बट ये तो 81 और 64 से काफी कम है, तो ये 3 के आसपास कुछ हमारे पास में आंसर होगा। अब यहां पर 7/2 भी एक ऑप्शन है 3 point something, और ये 19/6 भी एक ऑप्शन है जो कि 3 point something है। इन दोनों में आपको क्या करना है, एक तुक्का लगाना है, समझ गए बात। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50% हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो यार, इसका आंसर जहां तक है सी दिया हुआ था आंसर की में, ठीक है, और इसका आंसर बी दिया हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर की में था, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, जो आंसर की हमको मिली है, ठीक है, वो हमारे पास में सी और बी है, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर की है, इसमें कुछ गलती वलती हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि 4 और 7 आंसर नहीं है, और 9/20 और 4/9 आंसर डेफिनेटली नहीं है। इन दो क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब ट्रिक्स का क्या है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम ना अजम्पशन मेथड लगाएंगे, क्या अज्यूम करेंगे, एक्स वाई जेड को 1, 2, 3 ले लो, एक्स को 1 ले लो, वाई को 2 ले लो, जेड को 3 ले लो, ये हमने अज्यूम कर लिया, इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल वे में करते ना, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है अगर आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हो, तो आप यहां पर क्या, काम आसान हो गया हमारा, ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स हो जाएगा 1, वाई हो जाएगा 2, जेड हो जाएगा 3, ठीक है, फिर वाई एक्स जेड, वाई हो जाएगा 2, एक्स हो जाएगा 1, जेड हो जाएगा 3, समझ गए, वाई प्लस जेड मतलब 5, जेड प्लस एक्स मतलब 4, है ना, और फिर x प्लस वाई मतलब कि 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, कैसे करोगे, देखो 1 × 3 − 12, समझ गए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसके बाद में −2 × ये 3 − 12 था, ठीक है, फिर −2 × 9 − 8, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 9 − 8, फिर +5 × 9 − 2 9 − 2, समझ गए आप क्या करते हैं, पहले इसको रखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस ऑफ इसको रखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको रखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हमारे बेसिक डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा −9, ठीक है, यहां पर आएगा −2, ठीक है, और यहां पर आएगा 7 × 5 = 35, तो 35 − 11 ये हो जाएगा कितना 24, क्लियर है, ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब यही सेम एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं, मतलब हमने क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड पुट किया और ऑप्शंस में भी एक्स वाई जेड पुट करेंगे और दोनों को मैचअप करके देख लेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्स माइनस वाई हमको मिलेगा −1, फिर वाई माइनस जेड मिलेगा −1, जेड माइनस एक्स मिलेगा 2, तो ये क्या किसी भी एंगल से 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको काट दो।
फिर इसको अगर आप देखोगे x माइनस वाई आएगा माइनस वन, वाई माइनस जेड आएगा माइनस वन, या किसी भी एंगल से 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, काट दो इसको। फिर ये भी आपके किसी भी एंगल से y माइनस जेड माइनस वन, जेड माइनस एक्स आपका 2, ये भी किसी भी एंगल से नहीं आएगा 24, तो एक ही आंसर बचा हमारा डी। इसमें अगर आप पुट करोगे ना z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपका 24 आ जाएगा, मतलब कि ये हमारा सही हो गया। इसको कहते हैं हम अजम्पशन मेथड, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को अज्यूम कर लिया, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। क्लियर है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हो, आप अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, बहुत ज्यादा एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो, तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत क्विकली कम टाइम में आप लोग सीख सकते हो। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये सारी चीजें पूरे इंडिया में सिर्फ हमारा ही यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आप लोग ये सारी चीज सिखाता हूं, और ये सारी चीजें मैंने खुद से डेवलप करी है, मतलब किसी किताब में नहीं पढ़ी है। बहुत सारी किताबों में हो सकता है ये सारी चीजें मेंशन हो, बहुत सारे टीचर्स को हो सकता है सारी चीजें पता हो, बट सिखाता ये चीज सबसे ज्यादा मैं हूं। मतलब आप लोग अगर मेरे चैनल को देखोगे तो बाकी जितने भी एग्जाम्स है आपके जेई मेन के, नीट के, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सबको मैंने जेई नीट के फील्ड में टच करा हुआ है। यहां पर पहली बार मैं एनडीए को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बिकॉज ये वाला एग्जाम भी मैंने खुद ने दिया था, तो मेरे को काफी ज्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस है, आइडिया है। यहां पर अगर आप देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक होता है एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन जुगाड़ तरीका क्या है? अगर नहीं कर पा रहे हो, जल्दी करना है, कैसे करोगे? देखो, लेट थीटा इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, थीटा को 45 डिग्री ले लो। थीटा अगर 45 डिग्री लोगे तो 2 tan थीटा हो जाएगा, tan 45 1 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 2/2, मतलब कि 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप क्या करो, ऑप्शन में भी 45 पुट कर लो। अगर आप ऑप्शन में 45 पुट करोगे तो cos 45 into 2 cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाला आंसर सही नहीं होगा। tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, तो ये वाला आंसर भी सही नहीं होगा। अब sin 91 होता है और cosec 90 भी उसका उल्टा 1, तो ये दोनों में से आंसर हमारा हो सकता है। अब यहां तो आप इन दोनों में से एक तुक्का लगा लो, क्योंकि आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है अब सही होने की। या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और जुगाड़ लगा लो, थीटा को आप कुछ और ले लो, थीटा को आप 60 डिग्री ले लो। लेट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अगर थीटा को 60 लोगे तो tan 60 रूट 3 आता है, राइट, तो 2 रूट 3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा नीचे 4, तो ये कुल मिला के बचेगा रूट 3/2। अब आप चेक कर लो रूट 3/2 किसमें आएगा, 60 डिग्री पुट करोगे तो साइन 120 आएगा, है ना, साइन 120 आएगा। अब साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और एक्स एक्सिस से एंगल बनता है 60 डिग्री का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस आप लोगों ने पता होगा, ऑल साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है, यहां पर टैन पॉजिटिव, यहां पर कॉस पॉजिटिव, ऑल साइन टैन कॉस, राइट, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो हमारा बेसिक रूल रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है और पॉजिटिव भी है, तो प्लस रूट 3/2 आएगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो रहा है साइन 60, साइन 120, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। और कॉसेक तो उसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो अगर रूट 3/2 साइन है तो 2/√3 आएगा, तो वो तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। या फिर आप इन दोनों में तुक्का भी लगा सकते थे, अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हो, दो में तुक्का लगा लेते, मतलब कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किसी भी तरीके से करो, और फिर आपको एक अच्छा तुक्का लगाना है। मतलब कि अगर आप मान लो आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, ठीक है, अगर आपने 60 सॉल्व कर लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप क्रैक नहीं कर पाते हो, आपको थोड़े और करने हैं, मार्क्स इंप्रूव करना है, हमेशा सेफ जोन में जाना है, तो आपको स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो बाकी के 60 क्वेश्चंस है ना, उसमें ये सारे चीजें करनी है जो आपसे सॉल्व नहीं होते, उसमें ये सारे करोगे तो 60 में आपका 30-35 भी सही होगा ना, तो आपका स्कोर एक अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सो यार, आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ट्रिक्स एनडीए के एग्जाम में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, राइट। आप लोग अगर और भी वीडियोस देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, लास्ट मिनट कोर्स है, जिसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी पोस्टर के अंदर में, डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स आप लोगों को दिखेंगी यहाँ पर। इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, 5 आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, किस तरीके से मैंने 0% प्रिपरेशन में एनडीए का एग्जाम क्रैक करा था। उसके साथ में आपको 2021 के जो लेटेस्ट हमारे पास में फेज 1 का जो पेपर था, उसके आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स से सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। तो काफी एक अच्छा कोर्स यहां पर हमारे पास में है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एनडीए का 2000 जो हमारे पास में 21 का फेज 2 देने वाले हैं, उनके लिए कोर्स हमारे पास में, पोस्टर आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऊपर जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप पेमेंट करके हमको मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, या फिर अगर आप लोगों को वॉलेट नंबर्स वगैरह चाहिए पेमेंट करने के लिए, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वॉलेट नंबर्स ले सकते हो, पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, कोर्स की डिलीवरी आप लोगों को काफी ज्यादा जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।